नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वांटेड हरियाणा और राजस्थान का गैंगस्टर पपला गुर्जर को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन आखिर 1.5 साल तक पपला गुर्जर कहाँ था और 1.5 साल उन्होंने क्या किया, और वो शादी करने वाला था और एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाला था। आखिर 1.5 साल पपला की पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। उसकी एक गर्लफ्रेंड के साथ में वो बिना नाम बदल कर रह रहा था, जिसका नाम रखा था उन्होंने मानसिंह, फर्जी आधार कार्ड बना के रखा था। वो उससे शादी करने वाला था। जब पुलिस ने पकड़ा तो युवती बोली कि कौन, तो पपला बोला कि मैं 5 लाख का इनामी गैंगस्टर हूँ। इसके बाद उस लड़की के होश उड़ गए। उस लड़की को अंदाजा नहीं था कि वो एक गैंगस्टर के साथ में घर में रह रही है। गैंगस्टर को अभी जेल में भेज दिया है और गर्लफ्रेंड को रिमांड पे लिया है। सारी बातचीत निकालने के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बुधवार रात को 2 बजे गिरफ्तार हुआ मोस्ट वांटेड बदमाश पपला गुर्जर न सिर्फ सिस्टम बल्कि पुलिस को भी धोखा दिया, बल्कि जिस गर्लफ्रेंड के साथ में रहता था उसे भी उन्होंने अंधेरे में रखा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ये सामने आया है कि पपला ने गर्लफ्रेंड जिया उस शहर सिलगिरी को अपना नाम मानसिंह बताया था। जिया एक जिम ट्रेनर है। कुछ महीने पहले ही जिम में उसकी पपला से मुलाकात हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और पपला उसे शादी करने वाला था। पकड़े जाने से 2 दिन पहले जिया के डॉक्टर से पपला ने मुलाकात की थी, जिससे तलाकशुदा जो युवती है उनके साथ में उसे शादी करने वाला था। पपला ने इसी बात का फायदा उठाया और नजदीकियां बढ़ा दी। पपला शादी करके कोल्हापुर में ही बसना चाहता था, मगर कुछ माह से पपला दूसरी मराठी युवक के साथ में दोस्ती थी। मगर जैसे ही जिया से संपर्क हुआ तो पहले वाली युवती से दूरियां बना ली। पपला के पकड़े जाने के बाद युवती बार बार पुलिस और कमांडो के मामले की जानकारी लेती रही। आखिर में जब पुणे एयरपोर्ट पर दोनों आमने सामने मिले तो पपला को पूछा कि आखिर तुम कौन हो। जवाब में पपला ने कहा, मैं विक्रम उर्फ पपला हूँ। हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने मेरे पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। पपला की सच्चे का पता लगने के बाद गुमसुम हुई महिला मित्र पुलिस ने जब पूछताछ की तो वह जोर जोर से रोने लगी कि उन्हें ये बताया नहीं था कि वो एक बड़ा गैंगस्टर है, उन्हें धोखे में रखा था। उनका मानसिंह नाम से ही वो उन्हें जानती थी। उसे पपला के आधार कार्ड के नाम उदय सिंह के बारे में भी पता नहीं था। जिया आयुर्वेदिक में दूसरे वर्ग की छात्रा है। पुलिस ने उसे 7 दिन की रिमांड पर लिया है। पपला को कोर्ट में पेशी के बाद में शिनाख्त परेड के लिए 2 दिन जेल भेजा गया है। जब वो बहर थाने से भागा था तो उनके पास 12 लाख रुपए थे, इसी से उन्होंने खर्चा चलाया था। तो पपला एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कवायद में लगा था। 1.5 साल तक वो महाराष्ट्र में ही रहा। धीरे धीरे करके उन्होंने दोस्ती की और अब एक नया जिंदगी जीने का तरीका बता रहा था, एक नया जीवन की शुरुआत करने वाला था विक्रम और पपला गुर्जर, जो कि राजस्थान का और हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर माना जाता है। तो आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। आगे आगे पपला से और राज खुलवाएगी कि आखिर वो 1.5 साल कहाँ कहाँ रुका था और उन्होंने किसने उनकी मदद की थी। तो आइए आगे देखते जाइए क्या क्या होता है गैंगस्टर के साथ।